गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। उन छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट है जो अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र अदर स्टेट से यानी अन्य राज्यों से बिहार में कराने के लिए आवेदन किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए बिहार बेनारसी को अपना जो एप्लीकेशन है वो भेजा है, ठीक है, लेकिन वो वेबसाइट बंद हो गई। जो वेबसाइट पे उन्होंने एप्लीकेशन दिया था वो वेबसाइट बंद हो गई। अब वो बच्चे परेशान हैं क्योंकि वो अपना स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे कि मेरा जो आवेदन है, जो हमने एप्लीकेशन दिया है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए, वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये भी उनको कुछ नहीं पता। उसके बाद बेनारसी का जो संपर्क है वो तो ना के बराबर है। बेनारसी जाने के बाद भी जो है उसको एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है कि कब तक में जो है हमारा काम शुरू होगा, ठीक है। तो इसी सिलसिले में हम आपको एक बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो ओल्ड वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं। ध्यान से वीडियो देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आप हमें परेशान ना करें, ठीक है। इस वीडियो में हम हर एक चीज़ को क्लियर कर देंगे, बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो से समझ लीजिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप बिहार नर्सिंग, एमपी नर्सिंग काउंसिल, यूपी, झारखंड या इंडिया के पूरे नर्सिंग जगत का अगर आपको जानकारी लेना है, अपडेट लेना है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो विशेष ध्यान देने वाली बात यह है आपको कि वैसे लोग जो 8/5/2024 डेट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 8/5/2024 वह डेट है जब बिहार का पुराना वाला जो वेबसाइट था, ओल्ड वेबसाइट था, वो बंद हो गया, ठीक है। वो वेबसाइट 8/5/2024 को बंद हो गया। अब ये वेबसाइट नहीं खुल रहा है, आप गूगल पे आप इसको जब खोलिएगा, पुराना वाला वेबसाइट जो benarsi.patna.com है, वो नहीं खुलेगा। अब बच्चे परेशान हैं, क्या करें। तो उन बच्चों के लिए विशेष करके वीडियो है, तो ऐसे बच्चे अगर आपके संपर्क में हैं तो यह वीडियो जरूर उनको भेजें, ठीक है। क्योंकि बेनारसी की तरफ से आप लोगों के लिए एक पहल किया गया है, बेनारसी की तरफ से आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट जारी किया गया है, उस फॉर्मेट को भर करके आपको काउंसिल में जमा करना है, ठीक है। काउंसिल में जमा करना है, जमा करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर काम होगा, ठीक है, समझ गए। 8/5/2024, क्योंकि नया वाला जो साइट है, जो नया वाला वेबसाइट है, वो 24/5 से शुरू हुआ है। तो 24/5 से जो वेबसाइट शुरू हुआ है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रक्रिया चलेगी वो आपको चलती रहेगी आपका। लेकिन जो पुराने वाले लोग हैं, जो पुराने वेबसाइट पे अपना आवेदन किए थे, उनके लिए यह अपडेट है, ठीक है। और ये दिक्कत इसीलिए हुआ क्योंकि आपका जो एजेंसी था पहले, ठीक है, जो टेक्निकल एजेंसी होते हैं अपना आपका डाटा रिसीव करके आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट करने तक का, वो एजेंसी ही भाग गया है, यानी कि वो एजेंसी अपना काम करना बंद कर दिया बेनारसी के साथ। तो अब डाटा भी उनके पास है, डेटा भी आपका जो डेटा है वो उसी एजेंसी के पास है, तो उस एजेंसी से आपका डाटा ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया गया है, ले लिया गया है। लेकिन आप लोगों का जो स्टेटस है वो अब बेनारसी को नहीं पता है कि आपका एनओसी हो गया है क्या, या आपका एनओसी रिसीव हो गया है क्या। इसके लिए बेनारसी ने एक फॉर्मेट जारी किया है, वो फॉर्मेट हम आपको एक बार दिखा देते हैं और ध्यान से देखिए उसमें क्या क्या आपको भरना है, ठीक है, क्या क्या आपको भरना है उस फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट को ध्यान से देखिए। उस फॉर्मेट को भर करके आपको बेनारसी जाना है, ठीक है। हालांकि इंस्ट्रक्शन ये नहीं दिया हुआ है कि आपको जमा करना है हैंड टू हैंड या बाय पोस्ट, लेकिन अगर आप बेनारसी जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए। अब मेरा काम है, अगर जा सकते हैं तो जाएंगे, बहुत लोग जा रहे हैं हमारे पास, तो जो भी बेनारसी जाता है हमारे पास फ़ोन करता है कि सर हम बेनारसी में हैं, हमको इस प्रकार से बोला जा रहा है। हमने उनको सबको बताया कि 1 तारीख के बाद आप लोग जाएँ, 1 जुलाई के बाद, ठीक है। हमारे पास जो भी बच्चे संपर्क करते हैं तो हम उनको अभी बोल रहे हैं कि 1 जुलाई के बाद जा करके आप अपना स्टेटस ले लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रार मैडम से जब हम बात किए थे पिछली बार तो उन्होंने कहा था रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर का 1 जुलाई को जो है हम लोग एक्टिवली काम करेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग का काम खत्म हो चुका है। तो एक्टिव होने के बाद, आपका शिफ्ट होने के बाद, अब उसी पे काम पे फोकस किया जाएगा स्थिरता के साथ, ठीक है। क्योंकि अभी भी जो ओल्ड एप्लीकेशन दिया जा रहा है वो पुराने सचिवालय, जो अभी विकास भवन में जो एड्रेस था उसी एड्रेस पे भेज रहे हैं बच्चे, तो अभी पूरी तरीके से अवेयर नहीं हुए हैं बच्चे कि अब नया एड्रेस जो है बेनारसी का हो चुका है और वहाँ पर हमको भेजना है, ठीक है। अब नया एड्रेस हो चुका है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं जो कि अभी तक आवेदन नहीं दिए हैं, तो आप लोग नया एड्रेस हम दिखा रहे हैं आपको, उस एड्रेस पर आपको फॉर्मेट देना है, ठीक है। ओल्ड सचिवालय नहीं जाना है आपको, विकास भवन नहीं जाना है आपको। अब आपको जो है राज्य स्वास्थ्य समिति पटना जो शेखपुरा में है वहाँ पर जाकर के बेनारसी ऑफिस में आपको यह फॉर्मेट देना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए एक बार, ये वो सूचना है जिसमें देखिए डेट आप देखिएगा 8/5/2024 को बंद हो गया था ये वाला वेबसाइट, उसके जगह पर ये वेबसाइट जो NIC के द्वारा बनाया गया है वो 24/5 से एक्टिव हो गया था। इसमें भी कई प्रकार की दिक्कतें थी जो कि खत्म हो जाएगा और ख़त्म हो जाना चाहिए।
ठीक है, अब इस पर काम शुरू हो गया है, अब ये खत्म हो जाएगा। तो 8/5/2024 से पहले जो लोग भी आवेदन दिए हैं उनके लिए सूचना है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वो फॉर्मेट है जो कि आपको देना है। दिनांक 1/4/2022 से 8/5/2024 तक ऑनलाइन आवेदनकर्ता पर लागू होगा। ध्यान से डेट को देखिए, 1 अप्रैल 2022, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 8 मई 2024, इस डेट के बीच में जो लोग एप्लीकेशन दिए थे उन लोगों को ये फॉर्मेट भर करके बीएनआरसी में जमा करना होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से 8 मई 2024 के बीच जिसका जिसका आवेदन हुआ है वो लोग इस फॉर्मेट को जा करके बीएनआरसी में जमा करना पड़ेगा। और ये जो है हम फॉर्मेट आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे डाउनलोड लिंक के रूप में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको फोटोकॉपी निकालिएगा, भर करके प्रॉपर तरीके से, आपको कैसे भरना है वो हम बता देते हैं, भर करके बीएनआरसी जा करके आपको जमा कर देना है। डेट पढ़ लीजिए, ठीक है, और अगर आपको डेट याद नहीं है तो ये है वो एप्लीकेशन जो आपके पास होगा। ठीक है, एप्लीकेशन डेट देख लीजिएगा, आपका एप्लीकेशन का डेट, अगर उस डेट के बीच में आप आते हैं तब आपको वो फॉर्मेट भरना है, अगर उससे पहले के हैं तो आपको नहीं भरना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको भरना क्या क्या है। सबसे पहला तो आपको यहाँ पे एक फ़ोटो देना है यूनिफॉर्म में, ठीक है, यूनिफॉर्म में आपको एक फ़ोटो देना है। उसके बाद मैं अपना नाम लिखिएगा, पिताजी का नाम लिखिएगा, अपना जन्मतिथि लिखिएगा और पता लिख दीजिएगा, ग्राम, पोस्ट, जिला, पिन कोड। ठीक है, उसके बाद आवेदक का नाम यानी कि आपका नाम, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, पिता का नाम, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, आपको अगर आप जीएनएम हैं तो यहाँ पे जीएनएम लिखिएगा, अगर बीएससी हैं तो बीएससी लिखिएगा। ठीक है, सत्र लिखिएगा जो आपका सत्र है, मान लेते हैं अगर 19-22 है तो 19-22, 18-21 है तो 18-21, 20-23 है तो 20-23 सत्र में। उसके बाद निबंधन संख्या, निबंधन में होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो आप देख रहे हैं निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है। कौन सा भरना है? जो अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यानी जिस भी काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन मिला है आपको, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें भरना है। देखिए लिखा है पूर्व निबंधित राज्य उपचर्या परिषद का, अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड के सर्टिफिकेट नंबर भरना है, निबंधन संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर, कर्नाटका से हैं तो कर्नाटका का भरना है। उसके बाद निबंधन का दिनांक, वो आपके रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, वो इसमें भर देना है आपको। उसके बाद पूर्व निबंधित राज्य उपचर्या परिषद का नाम, यानी आप झारखंड से हैं तो JNRC हो जाएगा, अगर आप कर्नाटका से हैं तो क्या हो जाएगा, KNRC, उत्तर प्रदेश से हैं तो UP फैकल्टी, मध्य प्रदेश से हैं तो MPNRC। उसके बाद प्रशिक्षण संस्थान का नाम, प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आपने जिस इंस्टीट्यूट से, जिस GNM स्कूल से, NM स्कूल से आपने कोर्स किया है उसका नाम इसमें भर देना है। ठीक है, ये सबके लिए है, अगर आप BSc हैं, MSc हैं, GNM हैं या NM हैं, अगर आपने उस डेट में ट्रांसफ़र के लिए लगाया है तो आप सबके लिए है ये फॉर्म। ठीक है, शैक्षणिक सत्र देखिए, आपका सत्र कौन सा था, महीना, वर्ष से लेकर के, जैसे मान लेते हैं कि 19 जो 22 वाले हैं तो मान लेते हैं 19 में शुरू हुआ तो मेरा अक्टूबर माह हो जाएगा, और 2019 से लेकर के अक्टूबर 2022 जो आपका कोर्स कंप्लीशन में लिखा होगा, आपका कोर्स कंप्लीशन जो मिला होगा कॉलेज में उसमें शैक्षणिक सत्र लिखा हुआ होता है, वहाँ से भर लीजिएगा। उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण, आपने अपना एग्ज़ाम कब उत्तीर्ण किया वो यहाँ पे भरना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से दीजिए देखिएगा, एग्जामिनी बॉडी, एग्जामिनी बॉडी में आपको लिखना है जो काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास अभी है, यानी आपके पास अगर झारखंड काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे JNRC लिख देना है आपको। ठीक है, वही होता है एग्जामिन बॉडी, ठीक है, जो NOC आपको देगा, क्योंकि NOC तो आपके पास जिसका रजिस्ट्रेशन रहेगा वही देगा, झारखंड के पास रहेगा तो झारखंड देगा NOC, कर्नाटका देगा NOC, MP वाले में रहेगा तो MP देगा NOC। ठीक है, और मोबाइल नंबर आपको देना है जो कि चालू हो, और ईमेल आईडी साफ साफ भरिएगा ताकि आपसे फर्दर जो आपको संपर्क किया जा सके, क्योंकि हो सकता है जो आपका डॉक्यूमेंट्स हो वो आपके मेल पर भेजा जाए। ठीक है, तो ध्यान से भरिएगा आप फॉर्म को, हमने बता दिया है, अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके वापस से देखिएगा, समझिएगा और भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म को आप जब जमा कीजिएगा तो मैंने बीएनआरसी को पूर्व संचालित वेबसाइट के द्वारा दिनांक को अपना निबंध किया तो आवेदन किया था, आप जिस डेट में रजिस्ट्रेशन किए थे पुराने वाले वेबसाइट पर वो डेट इसमें भरना है। ठीक है, उसके बाद मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि 8/5/2024 से पहले हमने आवेदन किया था जिसके लिए हमें सर्टिफिकेट दिया जाए, भविष्य में जो एक शपथ पत्र होता है वो आपको देना पड़ेगा। अब इसके साथ आपको क्या क्या अटैच करना है वो वहाँ पे आप देख लीजिए, बीएनआरसी के पूर्व संचालित वेबसाइट पर हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र, जो आवेदन आपने किया था उसका फोटो कॉपी, और जमा राशि, पहले 1000 रुपये का चालान कटता था तो उस 1000 रुपये का छाया प्रति
आपके द्वारा जो पेमेंट किया गया था 1000 रुपये का, वो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप ये बोलिएगा कि मेरे पास तो नहीं है, मेरा खो गया है, हम कैसे निकालें, तो हम ये नहीं बता सकते आपको। लेकिन जो अलुनगलक है, एनेक्सचर है, इनक्लोज़र है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने हाल में किया है, जहाँ से भी किया है वहाँ से आप एक बार संपर्क करें, शायद आपको वो दे दें। तो BNRC का जो एप्लीकेशन नंबर था आपके पास, एप्लीकेशन पूरा जो फॉर्म भराया गया था, वो फॉर्म आपको जमा करना है रिसिप्ट के साथ। दूसरा, पूर्व राज्य काउंसिल को निर्गत से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, अंक पत्र, दसवीं का प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी पुराना वाला रजिस्ट्रेशन, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट और 10th का आपका प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, वो सारा चीज़ इसमें अटैच करके काउंसिल को दे दीजिए। जिस दिन देने जाइएगा यहाँ पे डेट दे दीजिएगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। अलुनगनक यानी कि जो इनक्लोज़र है, क्या क्या है, एप्लीकेशन के साथ में रिसिप्ट 1000 रुपये का जो आपने चालान करवाया था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले वाला पुराना वाला, डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद मार्कशीट, उसके बाद 10th का आपको सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ इस फॉर्मेट के साथ जमा करके आपको BNRC से आ जाना है, ठीक है। BNRC जब जाइएगा जमा करने के लिए तो उनसे पूछ लीजिएगा कब तक इसकी कार्रवाई होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र जो है हो जाएगा, हमको लगता है कि अगस्त या सितंबर तक जो है आप लोगों को मिल जाएगा, या जितना जल्दी आप जमा कीजिएगा आपके ऊपर है, जितना जल्दी जमा कीजिएगा उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम आपको एप्लीकेशन दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको देखना है। एप्लीकेशन आईडी हो गया, एप्लीकेशन नंबर जो भरना है वो आईडी, डेट हो गया, कोर्स आपका क्या है, अगर JNM है तो JNM, ANM है तो ANM, BSc है तो BSc, MSc है तो MSc, जिसके भी जिसके लिए आपने ट्रांसफ़र लगाया है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा, एकेडमिक सेशन देख लीजिए 19-22 है, उसमें आपको भरना पड़ेगा कॉलेज नेम, काउंसिल नेम, और इंटर्नशिप तो नहीं है। यहाँ पे देखिए एग्जामिन बॉडी, नेम ऑफ एग्जामिन बॉडी, झारखंड नर्सिंग काउंसिल रांची, बस इतना सा भर करके आपको दे देना है। बाकी आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसको ध्यान से पढ़िएगा और फॉर्मेट को ध्यान से भरिएगा और भर करके जमा कर दीजिएगा, ठीक है। बस यही अपडेट है, और जैसा मैडम की तरफ से बताया गया है, काउंसिल की तरफ से बताया गया है, आप लोगों का अगस्त में या सितंबर में आप लोगों को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है आपको मिल जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन यानी आप बिहार के लिए अप्लाई किए हैं तो बिहार का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको अगस्त या सितंबर में मिल जाएगा, लेकिन ये काम जो है आपको करना है। और यह अपडेट जो है हमको लगता है कल परसों आपको न्यूज़पेपर में आ जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर में ये जो है ना आपको सूचना प्राप्त हो जाएगा। अभी हालांकि ये किस वेबसाइट पे आया है ये भी नहीं पता है, क्योंकि अभी जो NIC का वेबसाइट है बिल्कुल बकवास है, कहें तो कुछ भी अपडेट नहीं होता इसमें। तो ये आपका कल न्यूज़पेपर में आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। और इसका PDF जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको भर करके जाके काउंसिल में जमा कर दीजिए, ठीक है। जो लोग हमसे संपर्क कर रहे थे उनको विशेष सूचना है ये, और अगर आप जानते हैं हमसे संपर्क किए हैं तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि सच में आपने आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसा लगा। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जानकारी जो है आप तक पहुंचती रहे और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। बाकी किसी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहता है, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।